अब गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कस्टम यूआरएल कैसे सेट करने हैं अपने चैनल के लिए। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि कस्टम यूआरएल आखिर होता क्या है। अब गाइज देखिए कस्टम यूआरएल होता है, मान लो आपने कहीं पर भी सर्च किया किसी भी ब्राउजर में www.sharikmafia.com, अभी मेरा चैनल वहां पर आ जाएगा। तो गाइज ऐसा यूआरएल आप भी अपने चैनल पर सेट कर सकते हो बहुत इजी स्टेप्स में। इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कैसे कस्टम यूआरएल को बनाना है, अपने मोबाइल से ही आप कस्टम यूआरएल बना सकते हो बहुत इजी स्टेप्स में। अब गाइस कैसे बनाना है वो देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर अपने चैनल का यूआरएल सेट करना है। सबसे पहले गाइस आपको क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब गाइस क्रोम एप्लीकेशन में आपको यूट्यूब को ओपन करना है अगर नहीं किया है। देखिए यहाँ पर YouTube को ओपन करने आपको वो आईडी साइन इन करनी है जिससे आपका चैनल बना हुआ है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। अब गाइस यहाँ से जब आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लोगे अब आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आपका चैनल का लोगो दिख जाएगा आपको, जो जिस आईडी से आपने क्रोम में साइन इन करके रखा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, योर चैनल का ऑप्शन मिलता है, योर चैनल पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखिए कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिल रहा है। अब गाइज यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करके न्यू टैब को ओपन कर लेना है। अब गाइज जैसे देखिए अभी हमारा वाइट स्टूडियो पे पहुँच गया था, बट यहाँ से हमने कस्टमाइज चैनल पे ओपन न्यू टैब पर क्लिक करके एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है हमारे इसके सामने। अब यहाँ से हमने इसको भी डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर लिया। जब न्यू विंडो ओपन होता है तो डेस्कटॉप साइट पे लेना पड़ता है उसको दोबारा से। अब गाइज देख सकते हो आप यहाँ से हमारा थोड़ा सा नेट की स्पीड स्लो आ रही है, बट कोई बात नहीं गाइज आप ही देख सकते हो आप यहाँ से हमारा जैसे ही ये ओपन हो जाता है। अब न्यू इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको देखिए चैनल कस्टमाइजेशन में, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, आपको ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और अब नीचे की साइड आना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको इसको क्लोज कर देना है जो भी है। तो यहाँ पर आपको ऐड यूआरएल मिलता है। अब गाइस मुझे इस चैनल पर नहीं मिल रहा है, तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है मैं उनको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन होता है गाइस आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको ऐड यूआरएल ऑप्शन नहीं मिलता। अब मैंने दूसरा चैनल ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस चैनल पे मेरे पूरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट है। तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे मिल रहा है सेट चैनल यूआरएल। अब गाइस सेट यूआरएल चैनल यूआरएल पे आपने क्लिक कर देना है। अभी गाइस देखिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि सेट यूआरएल कर सकते हो आप अपने चैनल का, जैसे www.youtube.sharikmafia इस तरह से गाइस। तो अभी मेरे चैनल में मुझे शारिक माफिया ऑलरेडी मिल रहा है, तो गाइज मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं उसको ही सेट यूआरएल कर देता हूँ शारिक माफिया को, अपने चैनल के नाम को। इसके बाद मैं ऊपर से यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब गाइज जब मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ तो गाइज यहाँ पर देखिए कन्फर्म पर क्लिक करके अब ये मेरा पब्लिश हो चुका है। अब मैं इस यूआरएल को ना कॉपी करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से यूआरएल काम करता है। अब गूगल पे आए हम, गूगल पे आने के बाद मैंने अपने कॉपी यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सर्च किया तो अब देखिए सर्च करने के बाद ये मेरा सीधा मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, वो किसी भी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, आप कर सकते हो। अब गाइस अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है।